हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल कढ़ी पकौड़ा। तो उसके लिए सबसे पहले हम बटर मिल्क लेंगे और बटर मिल्क में हम बेसन ऐड करेंगे। इसमें कोई परफेक्ट क्वांटिटी नहीं होती कि आप कितने बटर मिल्क में कितना बेसन ऐड करेंगे, ये हम बाद में कुकिंग टाइम पे ही चेक करेंगे। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि बेसन की गुठलियाँ ना हों। उतने में हम मस्टर्ड ऑयल लेंगे। जी हाँ, कढ़ी को मस्टर्ड ऑयल में ही बनाया जाता है। और इसे पहले हम बहुत तेज़ गर्म करके फिर उसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे, जिससे कि उसका रॉ स्मेल चली जाए। और उसमें अब हम 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि इसका रॉ टेस्ट चला जाए। इसे हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर तक कुक नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसमें अब मसाले ऐड करके कुक करेंगे तब भी थोड़ा हमारा गार्लिक कुक होगा, इसलिए हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही कुक करना है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून दाना मेथी, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और इसे थोड़ा कुक करेंगे और अब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और इसे थोड़ा चलाएंगे। सॉरी गाइस, मैं पहले अदरक और हरी मिर्ची ऐड करना भूल गई थी, तो इसलिए ये मैं अब ऐड कर रही हूँ, फाइनली चॉप्ड अदरक और हरी मिर्ची। ये जब हमने गार्लिक को कुक किया तो उसके बाद पहले हम अदरक और हरी मिर्ची को कुक करेंगे, उसके बाद बाकी के मसाले ऐड करेंगे। लेकिन अगर भूल गए थे तो आप अब भी ऐड कर सकते हो मेरी तरह। अब इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम हल्दी डालेंगे। हल्दी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, नहीं तो कढ़ी का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। और अब हम इसमें अपना बटर मिल्क ऐड करेंगे, जिसमें हमने बेसन को ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, और इसे कुक करेंगे। जब तक एक बॉयल नहीं आ जाए तब तक हम बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो बेसन पैन के तले में जाकर लग जाएगा और हमारी कढ़ी जल जाएगी। जितने में एक बॉयल अच्छे से आ रहा है तो उतने में हम बटर मिल्क के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बटर मिल्क में कुछ लोग थोड़ा सा दही लेकर बाकी का पानी ऐड कर देते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो इसीलिए हमारी कढ़ी अच्छी नहीं बनती। अगर आप 1 kg कर्ड ले रहे हो तो उसमें 1 kg से ज़्यादा पानी ऐड मत करना। जितना पानी ज़्यादा ऐड करते जाओगे कढ़ी का टेस्ट कम होता जाएगा, क्योंकि वो पानी में फिर बेसन ऐड हो गया, कर्ड की क्वांटिटी बहुत कम होगी उसमें। वैसे अगर हम जो हमारा मलाई से बटर मिल्क बनता है, अगर आप उसकी कढ़ी बनाओगे तो वो बहुत अच्छी बनती है। मैं हमेशा मलाई के बटर मिल्क की ही कढ़ी बनाती हूँ। ये देखिए, जैसे जैसे हमारी कढ़ी गर्म हो रही है वो और थिक होती जा रही है। ये देखिए, अच्छे से बॉयल भी आना शुरू हो गया। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कॉन्टिन्यूसली चलाएंगे ताकि बेसन की गुठलियां ना बन जाए। ये देखिए, ये कितने अच्छे से बॉयल हो रही है। और ये देखिए, ये थिक भी ठीक है, ना तो ये ज़्यादा पतली है और ना ही ये काफ़ी थिक है। अब हम इसे कवर करके 1 घंटे से के लिए इसे कुक करेंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। उतने में हम अपने पकौड़े फ्राई कर लेते हैं, तो उसके लिए हमने मस्टर्ड ऑयल को गर्म कर लिया है और जो हमारा बाकी का बेसन बचा उसमें हम सॉल्ट, जीरा, धनिया पाउडर, अदरक और हरी मिर्ची डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे
लंप फ्री एक घोल बनाएंगे, लेकिन थोड़ा थिक घोल बनाएंगे हम। पकौड़ों की तरह बहुत पतला नहीं करना है इसे। अब हम इसमें वेजीज ऐड करेंगे। मैंने पोटैटो, अनियन और कॉलीफ्लावर ऐड किया है। आप इसमें पीस भी ऐड कर सकते हो और इसे अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो इसमें जो पानी रिलीज होगा सब्जियों का, उसकी वजह से ये देखिए बेसन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसमें हमने एक चुटकी खाने का सोडा ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा ऑयल भी अब गर्म है, तो हम अब एक बार हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और छोटे छोटे पकौड़े फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े पकौड़े मत बनाना, नहीं तो वो अंदर तक कड़ी को सोख नहीं करेंगे तो वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। और हाथ से ही पकौड़े डालना, अगर आप स्पून से डालोगे तो वो इतने अच्छे से नहीं बनते हैं। अगर आप पकौड़ों में वेजेस नहीं डालना चाहते तो आप टोटली स्किप कर सकते हो वेजेस को, और फिर भी आप हाथ से ही पकौड़े डालना तो वो बिल्कुल राउंड शेप में बनेंगे, स्पून के साथ इतने अच्छे राउंड शेप में नहीं बनते हैं। अब हम इसे अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहो तो आप इसी तरह पोटैटोज और अनियंस को भी फ्राई करके कड़ी में डाल सकते हो, लेकिन वो एंड में ही डालना, फ्राई करके रख लेना, क्योंकि पोटैटो में स्टार्च होता है, तो अगर आप पहले ऐड कर दोगे तो आपको कड़ी को बार बार चलाना होगा, वो बर्तन के तले में जाकर लग जाते हैं। इस तरह हमें अब कड़ी को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना पड़ेगा, बीच बीच में भी चलाएंगे तो हमारी कड़ी नीचे नहीं लगेगी। अब हम पकौड़े निकाल लेंगे। हमारे पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इधर हम अपनी कड़ी को देखते हैं। ये देखिए कड़ी उतने में हमारी साथ के साथ बॉईल होती जा रही है और ये थिक भी हो गई है। अभी ये एक घंटे के बाद हमारी कड़ी देखिए बहुत अच्छे से थिक हो गई है। अगर आपको इसमें पकौड़े ऐड नहीं करने हैं तो इतनी थिकनेस ठीक है, आप इसमें अनियंस और पोटैटोस को फ्राई करके ऐड कर दीजिए, लेकिन मैं पकौड़े ऐड कर रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है, क्योंकि पकौड़े लिक्विड को सोख लेंगे तो कड़ी हमारी बहुत गाढ़ी हो जाएगी, बहुत थिक हो जाएगी। और इसे पानी ऐड करने के बाद 10 मिनट के लिए हम और कुक कर लेंगे। ये देखिए अब थिकनेस हमारी ठीक है, क्योंकि पकौड़े सोक कर लेंगे। ये कड़ी हमारी अच्छे से बॉईल हो रही है, तो अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए पका लेंगे। आप कड़ी को जितना कुक करोगे उतनी अच्छी बनेगी। अगर आप 15-20 मिनट के लिए कुक करके और बंद कर देंगे गैस को तो वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ये 10 मिनट कुक करने के बाद ये देखिए अब हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें पकौड़े ऐड कर देंगे। सारे पकौड़े ऐड नहीं करेंगे और साथ में हरा धनिया ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे पकौड़े इसलिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमारी कड़ी बच जाएगी तो पकौड़े ऑलरेडी अंदर होने की वजह से जब आप बाद में खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। और इसे एक बॉयल आने के बाद अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे और ये हमारी कड़ी तैयार है। तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू।